बच्चों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों ये वर्कशीट है कक्षा 6 के लिए गणित विषय की। ये वर्कशीट नंबर 13 रहने वाली है और 16 अगस्त की ये वर्कशीट है। तो आपको इसको देख के प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने नोटबुक साथ रखनी है जिसमें आप जो क्वेश्चन है वो साथ साथ हल भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम जैसा कि हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा है, सन्निकटन हमने पढ़ा है, जो अनुमान लगाते हैं हम संख्याओं का, एक अनुमान लगाते हैं वो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो सन्निकटन होता है, जो आकलन होता है या फिर हम कह सकते हैं अनुमान होता है, उन ऐसी ही संख्याओं का योग कैसे करें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, श्रीमती देवसिना 2000 में अपने बच्चों के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 रुपये है। यानी एक उपहार की कीमत है 1175 रुपये और दूसरे की है 449 रुपये। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसिना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो अब देखिए, अमरेंद्र और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए अमरेंद्र ने क्या सोचा कि पहले उपहार जो कितने का है, 1175 का है, निकटतम सैकड़े में आकलन। तो सैकड़े में आकलन कैसे करते हैं, सैकड़ा कहाँ तक है, इकाई ढाई सैकड़ा, यानी 175 सैकड़ा है। तो 175 का सन्निकटन क्या हो जाएगा, 200। तो ये क्या हो जाएगा, 1200, यानी ये हो गया 1200। फिर है दूसरे उपहार 449 का निकटतम सैकड़े में आकलन। तो सैकड़े में आकलन इसका क्या होगा, ये जो 49 है ये 50 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो ये हो गया 400। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, 1600। यानी अनुमानित लागत क्या आएगी उपहारों की, 1600 रुपये, ठीक है। अब कटप्पा ने किया, कटप्पा ने कैसे किया कि पहले उपहार का निकटतम 1000 में आकलन। तो 1000 में आकलन करेंगे 1175 का, तो क्या होगा, 1000 होगा, ये लिख लिया। दूसरे उपहार 449 की निकटतम 1000 में आकलन, पर ये जो संख्या है ये सैकड़े में है, 1000 में है ही नहीं, पर कटप्पा ने किया है इसका 1000 में आकलन। तो 1000 में आकलन, तो ये 449 है, तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अनुमानित जो कुल मूल्य है, लागत है, वो कितनी हो गई, 1000 रुपये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से सही कौन सा है। देखिए इनमें देखना है सही कौन सा है, कौन सा, जो एक तो अमरेंद्र ने किया है सैकड़े में आकलन और कटप्पा ने किया है 1000 में आकलन। तो सही हम किस आधार पे करेंगे बच्चों, कि देखिए जो अनुमान लगाते हैं वो उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। जैसा कि कटप्पा ने किया, ये 449 सैकड़े की संख्या है, बट इसका 1000 में आकलन किया, निकटतम 1000 में आकलन किया, तो ये तार्किक नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है, ठीक है। आकलन कितनी जल्दी ज़रूरत है, ठीक है, आकलन की कितनी जल्दी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है, कि जो अमरेंद्र के द्वारा आकलन किया गया वो अधिक सटीक अनुमान है, ठीक है, और क्योंकि ये अधिक उचित और अधिक तार्किक है। तार्किक मैंने बताया किस लिए है, इसीलिए जो अमरेंद्र ने किया है आकलन उसको हम सही मानेंगे, जो कि तार्किक भी है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, अब आगे दिया गया है अनुमान लगाइए। क्या संख्या दी गई है, पहली संख्या है 18891 और दूसरी संख्या है 4201। तो अब इनका निकटतम 1000 में आकलन करेंगे, तो इसका निकटतम 1000 में आकलन करेंगे बच्चों, तो ये जो 8891 है, तो इसका निकटतम 1000 में आकलन क्या हो जाएगा, 9000। तो ये कितना बन जाएगा, पूरा 19000 हो जाएगा। इसी प्रकार 4201 का निकटतम आकलन क्या हो जाएगा, 1000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। इनका योग कितना हो गया बच्चों, 19000 और 4000, 23000। इसी प्रकार आगे है अनुमान लगाइए, 429 है और 8691। तो 429 का निकटतम सैकड़े में आकलन क्या होगा, देखिए 429 है तो ये कितना हो जाएगा, 400। और इसी प्रकार 8691 का निकटतम क्या हो जाएगा, तो इसमें सैकड़े का आकलन करना, तो सैकड़े की संख्या क्या है, 691 है, तो
तो 691 का निकटतम सैकड़े में आकलन क्या हो जाएगा 700, तो क्या हो गया 8700। तो टोटल कितना हो जाएगा अनुमानित योग इसका 400 और ये 8700, मतलब 9100। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे अंतर का अनुमान, अंतर मतलब घटा के आकलन करेंगे। ठीक है, देखिए अनुमान लगाइए निकटतम हजार में आकलन, तो निकटतम हजार में करेंगे तो ये क्या है 9876 है, तो ये क्या हो जाएगा 10000 हो जाएगा। इसी प्रकार 6789 कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, और घटा में करना है तो 10000 में से 7000 गए तो बच्चों 3000 आ गए। ठीक है, इसी प्रकार ये सैकड़े में आकलन करना है, जो संख्याएं दी गई है 90476 और 10241, इनका हम करेंगे सैकड़े में आकलन। तो सैकड़ा देखते हैं ये है 476, तो 476 का निकटतम सैकड़े में आकलन क्या होगा 500, तो ये क्या हो जाएगा 90500। इसी प्रकार 10241 का क्या होगा 10200। अब इनको घटा देंगे, 90500 में से 10200 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास बच गया 80300। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को अंतर का अनुमान लगाना है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पहले तो है अनुमानित योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनुमानित योग के लिए ये है 841 और ये है 181, तो हम ये दोनों सैकड़े की संख्याएं हैं तो हम इनका दोनों का सैकड़े में आकलन करते हैं, तो 841 का क्या हो जाएगा 800 और 181 का क्या हो जाएगा 200, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका जोड़ करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार 2400 का और 6891 का अपन 1000 में कर रहे हैं तो 2400 का तो 2400 ही रहेगा, 6891 है इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा, 1000 में आकलन करेंगे तो ये 2400 और 7000 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे बच्चों 9400। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों का करेंगे, इनका भी 1000 में करेंगे तो 1000 में करेंगे तो 9875 का क्या हो जाएगा 10000 हो जाएगा, ये 10000 हो गया, और 5478 है इसका 1000 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा इनका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चों 15000 इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए, अनुमानित अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 8299 है तो इसका 1000 में करेंगे सन्निकट अन या फिर अनुमानित जो मान है वो क्या होगा 8000, निकटतम आकलन कितना हो गया 8000 और 5000 का 5000 रहेगा तो 5000 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 3000, तो अपना आंसर कितना हो गया 3000। इसी प्रकार 9999 का निकटतम आकलन क्या होगा 10000 हो जाएगा, और 10000 इसका 5421 का क्या होगा 5000 होगा, तो 10 में से 5000 गए तो कितना आंसर आ जाएगा 5000 आ जाएगा। इसी प्रकार 2541 का आकलन करेंगे निकटतम 1000 में करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3000, और 524 का ये किस में है सैकड़ा में, तो हमें क्या देखना है दोनों ही संख्याओं का आकलन हम किस में करेंगे सैकड़ा में करेंगे, तो 2541 का सैकड़े में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, है ना 2500। ठीक है, और 524 का करेंगे तो ये हो गया 500, सैकड़े में आकलन किया हमने, अब इनको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास 2000। ठीक है, 2500 में से 2000 गए तो बच्चों सॉरी 2500 में से 500 गए तो 2000 अपने पास बच जाएंगे, तो ये इसका अनुमानित जो आंसर है वो आ जाएगा। बच्चों जहाँ भी समझ में नहीं आए वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें, अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व करें, और मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहो और मुस्कुराते रहो।